वेलकम टू कोर क्लासेस स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस CH2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पे वीडियो बनाइए, तो उसी डिमांड को देखते हुए हमने आज ये वीडियो बनाई है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैक्सिमम जिनकी पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं, या फिर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिस पे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो यहाँ पे लेकर आए हैं। यूनिट वाइज लेके आए हैं और उनको उन क्वेश्चंस को रिलेट किया गया है आपके पिछले 5 साल में जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, तो उनके साथ साथ रिलेट किए गए हैं और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वो यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। यूनिट वाइज जितनी भी यूनिट्स हैं, सभी यूनिट्स में कितने बन सकते हैं वही हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि उनके आंसर्स के साथ वीडियो बनाइए, तो जो इनके आंसर्स हैं वो हम जब भी वीडियो बनाते हैं, लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, तो उसके साथ साथ उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। क्योंकि कोई भी यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन बोलूं और उसका डायरेक्ट आंसर आपको समझाऊं, उस आंसर को समझाने के लिए डिटेल चाहिए होगी, तो आपको उस टॉपिक के बारे में समझ आना चाहिए होगा। वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय द प्रोवाइडिंग लेक्चर्स। तो इसीलिए हम पहले लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ आपको जब टॉपिक समझ आ जाएगा फिर हम जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को और आंसर्स को वहां पे डिस्कस करेंगे। तो आपको ये दिक्कत नहीं है कि क्वेश्चंस के आंसर हम कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जब भी हम लेक्चर करेंगे। तो बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ हमने ये भी बताया कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा आ सकते हैं और ये पिछले 5 सालों में कब ये पेपर में क्वेश्चन आया था। फर्स्ट इज राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 25 एटॉमिक नंबर एलिमेंट है और वो किस पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। जून 15 में क्वेश्चन आया था फॉर 2 मार्क्स। विच ऑफ दीज ऑर्बिटल्स डज नॉट एग्जिस्ट 3f and 4d, दिसंबर में आया था फॉर 1 मार्क्स। विच प्रिंसिपल्स इज वायलेटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2p1, दिसंबर 15 फॉर 1 मार्क्स। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर एंड एक्सप्लेन वाई डज इट नॉट फॉलो ऑफ ऑर्डर, दिसंबर 15 में आया था फॉर 2 मार्क्स। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम हुज एटॉमिक नंबर इज 29, दिसंबर 16 फॉर 1 मार्क्स। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम हुज एटॉमिक नंबर 24, ये जो क्वेश्चन है ये 3 बार आ चुका है, दिसंबर जून 16, दिसंबर 17 एंड जून 17, तीनों पेपर्स में टर्म एंड एग्जामिनेशन में ये जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ है। What is electronic configuration of phosphorus? From what explain how we can infer whether it is a metal or non-metal, December 17. What is modern name of element Ica silicon, December 18 for 1 marks. Name element which is most abundant in universe for 1 marks in December 18. State Mendeleev's periodic laws list to important achievement of its classification of elements, December 18 for 2 marks. Why is outer electronic configuration of gadolinium is this but not this? ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आगे यूनिट्स हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वहां पे भी ये पूछा जा सकता है और फर्स्ट यूनिट के बेसिस पे भी, दोनों के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस किया है। तो चाहे आप सोच सकते हैं कि इस यूनिट में है या फिर इनर ट्रांजिशन यूनिट में है, तो दोनों तरफ आपको, लेकिन ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है। जून 18 फॉर 1 मार्क्स। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर 31, नेम एंड ब्लॉक, नेम द ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल टू विच इट इज बिलोंग्स। तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं अप टू 50 या फिर अप टू मोस्टली जो है 30 या 35 एलिमेंट्स तक, सभी का उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा। ये जून 18 में क्वेश्चन आया था फॉर 2 मार्क्स। गिव सिस्टमैटिक नेम एंड सिंबल फॉर एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 110, जून 19 1 मार्क्स के लिए आया था। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जून 19 फॉर 2 मार्क्स। ये सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हुए हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ कॉपर, दिसंबर 19 फॉर 1 मार्क। ये पिछले साल ही जो लास्ट एग्जाम हुआ था दिसंबर 19, उसमें ये फॉर 1 मार्क्स ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 2।
वट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर फॉर वन मार्क्स इन जून 15. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर दैन ऑक्सीजन और कार्बन वाई फॉर टू मार्क्स इन जून 15, दिसंबर 16, जून 19. इसका मतलब ये बहुत तीन पेपर में ये रिपीट हुआ है. एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन इफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. वाई इलेक्ट्रॉन इफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हायर दैन दैट ऑफ फ्लोरीन फॉर फोर मार्क्स June 15. Which of these element nitrogen, sodium, neon, phosphorus has highest first ionization energy for 1 marks June 15. Name most of electronegative element in periodic table for 1 marks June 15 and December 15. Ye do saal mein repeat hua hai. Why is second ionization energy is always higher than first ionization energy is most important question for 2 marks. दो बार ये रिपीट हुआ है. डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. व्हाई आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोफिनिटीज ऑफ नोबल गैसेस इज जीरो फॉर टू मार्क्स इन जून 15. व्हाई इज बीएफ बोरोन फ्लोराइड बीएफ बॉन्ड लेंथ इन बोरोन ट्राइफ्लोराइड शॉर्टर देन सम ऑफ कोवलेंट रेडियाई ऑफ बोरोन एंड फ्लोरिन फॉर टू मार्क्स जून 15. अरेंज H positive, H negative in order of increasing atomic radius for 1 mark in December 15 and June 17. Which one of beryllium and boron has high first ionization energy for December 15? Which one is more stable? Chromium 2 positive, chromium 3 positive, 1 for 1 marks in June 16 and June 17. Out of sodium and sodium ion, which has large in size? ये भी हमने सभी questions ये हमने discuss किए हुए हैं हमने सभी lectures में. Which one of following has highest electronegativity in all these elements in June, December 16 and June 17 also? Next is, which one has highest value of electron affinity in these halogen elements? December 16, December 17, June 17, December 17. सभी तीन exams में ये repeat हुआ है question. Van der Waal radii always higher than that of covalent radii of same element. Explain in December 16. Which of the element atoms have electronic configuration of neon is this but not having this will have higher first ionization energy. June 17. Electron affinity of nitrogen is less than that of carbon and oxygen. ये हमने lecture में discuss किए थे questions. In June 17. ये paper में आया है. What is trend of change in electron affinity down the group in S block and P block? In which period in this general trend violated and why? Why? This is for 4 marks in December 17. Why group 2 elements smaller in size than group number 1? June 18. Why is electron affinity of chlorine higher than fluorine? June 18. What are Slater rule? What will be screening constant for an electron in 2p orbital of nitrogen atom for 4 marks in June 18? Out of F negative and sodium fluoride ion and sodium ions, which is larger in size for 1 marks in December 18? Which of halogen atom has highest first ionization energy? Amongst elements, in these elements, which one has higher electron affinity and why? In December 18. Amongst these ions, which one has large ionic radius and which one has smallest ionic radius? Explain in two marks in June 19. Which one of sodium and magnesium will have high second ionization energy? Explain for 2 marks in June 19. Which of following in large is larger in size in these elements? December 19 for 1 mark. December last mein ye question aaya hai, last paper mein. Unit number 3, hydrogen. Name 2 heavier isotopes of hydrogen. Give reaction between sodium and deuterium oxide. What type of bond will you expect in sodium hydride? What is effect of hydrogen bonding in properties of these elements? Which of following is a covalent hydride in these hydrides in June 16? Why ammonia is a Lewis base? ये जो question है यहाँ की यहाँ भी आ सकता है और ये एक यहाँ पे एक 14th sorry एक group wise जो ये chapters बने हुए हैं उनमें भी ये question आ सकता है. चाहे आप यहाँ पे consider कर लीजिए, आगे भी इसको मैंने दोबारा से repeat किया है. Give one industrial use of hydrogen. ये question बहुत बार repeat हुआ है in June 17 and 19.
नेक्स्ट इज डज नॉर्मल वाटर कंटेन ड्यूटेरियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स विच वन हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट D2O और नॉर्मल वाटर फॉर 2 marks इन डिसम्बर 19 लास्ट पेपर में आया था हाउ आर हाइड्राइड्स आर क्लासिफाइड गिव वन एग्जाम्पल फॉर 3 marks इन डिसम्बर 19 नेम रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन फॉर 1 mark इन डिसम्बर 19 तो पिछले पेपर में जो लास्ट पेपर है दिसंबर में हुआ है उसमें देखिए ये 3 questions यहाँ से इम्पॉर्टेंट हैं जो निकल के आए हैं इसका मतलब ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा व्हाई इज वाटर अ लिक्विड एंड H2S अ गैस एट रूम टेम्परेचर फॉर 2 marks इन जून 17 व्हाट आर ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन हाउ इज हाइड्रोजन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रेड हॉट कोक What type of bonding expected in sodium hydride? ये 2 बार repeat हुआ है question. With the help of suitable example, distinguish between inter and intramolecular hydrogen bonding. What type of bonding present in ortho and para nitrophenol? And bonding intermolecular or intramolecular hydrogen bonding और यहाँ पे भी जो basically organic compound में पूछा गया ये भी हमने सभी क्वेश्चन जो है अभी तक डिस्कस कर चुके हैं यूनिट नंबर 4 एल्कली मेटल्स आउट ऑफ दीज आयंस विच वन हैज हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन वाटर व्हाई डज सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विच ऑफ एल्कली मेटल्स फॉर्म्स लार्जेस्ट नंबर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स विच इज द ओनली एल्कली मेटल दैट कैन रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड Why are compounds of lithium is more covalent than corresponding compounds of sodium and potassium? ये question जो है ये 3 बार repeat हुआ है यहाँ पे December 15, December 17, December 18 ये तीनों साल repeat हुआ है December 19 में नहीं आया है तो इस बार chances हैं कि इस बार आ सकता है Which one is poor complexing agent? So for 1 marks in June 16. Next is which one of lithium and cesium Cation having higher ionic conductance in aqueous solution in June 16. Lithium carbonate is thermally unstable whereas other alkali metals are thermally stable. Why do alkali metals in liquid ammonia act as reducing agent? ये हमने पिछले भी repeat किया था मतलब ये 3 papers में repeat हुआ है. Alkaline nature of hydroxide of group number 1 elements increases as we go down the group. Sodium dissolves in liquid ammonia to give blue colored solution and there are four optional options. This is MCQ question for 1 mark in December 16. Why does lithium form more complexes than other elements in group number 1? Thermal stability of alkali metal carbonates decreasing down the group. Why? Explain why alkali metals having second ionization energy is larger as compared to first ionization energy. तो यहाँ पे हमने पिछले पेपर जो चैप्टर है उसमें भी ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये बार बार रिपीट हुआ है ये पर्टिकुलर किसी एलिमेंट्स को लेकर भी आ सकता है और सिंपली भी आ सकता है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन फर्स्ट वाई तो कंसेप्ट सेम ही है ये हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है Why are melting point and boiling point of lithium higher than that of alkali metals in June 18? Which one can directly react with nitrogen? How does lithium is different from other element? इसका मतलब यहाँ पे anomalous behavior पूछा गया है. On burning in excess of air, which one of these elements forms superoxide as the final product? How does conductivity of aqueous solution of alkali metal salt vary down the group? Which one of sodium and magnesium have high second ionization energy? ये देखिए बार बार ionization energy पे बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम अमंग अस दीज फ्लोराइड्स विच हैविंग लोएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर ये क्वेश्चन दिसंबर में आया था फॉर 1 मार्क्स यूनिट नंबर 5 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स Explain the structural difference between hydrides of beryllium and calcium. Why do alkaline earth metals form large number of complexes as compared to alkali metals? Why do hydrides and halides of beryllium polymerize? Of beryllium carbonate and barium carbonate, which one is thermally more stable? Why beryllium hydride act as polymer in group number 2? Elements are smaller in size as compared to group number 1. Which of the following is larger in size of these elements? This had come in December 19 for 1 mark question. Which one of these halides can be sublime
हाउ डज थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स वेरी डाउन द ग्रुप. आउट ऑफ दीज कार्बोनेट्स विच इज थर्मली लीस्ट स्टेबल. ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है, ये दो बार पेपर में आया है. तो पिछली बार भी हमने लास्ट पेज में भी हमने इसको डिस्कस किया था. इसका मतलब तीन चार बार ये रिपीट हुआ है. वाई डू एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन फॉर्म्स मोर कॉम्प्लेक्सेस देन एल्कली मेटल आयन्स एक्सप्लेन. नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोफिल. Why is hydride bridge in beryllium hydride considered as electron deficient but not halide bridge in BeCl2? ये question हमने lecture में बहुत अच्छे से explain किया है. उसको question बना के उसके बाद इसको explain किया था, जहाँ पे banana bond यहाँ पे दिखाया गया था. तो अगर आपको इनके questions चाहिए, इन यूनिट्स के लिए जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर चाहिए, तो आपको लेक्चर्स में जो ऑनलाइन लेक्चर्स हमने बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 13 ग्रुप नेक्स्ट यूनिट इज. सो ग्रुप नंबर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, विच वन ऑफ दीज हाइड्राइड्स इज मोर सेलेक्टिव एजेंट. फॉर दीज हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, विच वन would you use in conversion of this substrate to the particular product. Give an example of molecule having 3 center 2 electron bonding. Draw structure of hydrazine. Complete the reaction. तो यहाँ पे देखिए complete the reaction for 1 marks. बहुत सारी reactions ऐसे आती हैं. Discuss the nature of bonding in diborane. Why do not halide in borone do not form dimers. Next is complete the reaction comes in had come in December 19 for 1 mark. Why cannot borone expand its coordination number beyond 4? June 16 में आया था. Explain why borone trichloride is a gas and aluminium trichloride is dimeric solid at room temperature. Why briefly explain briefly the difference between 2 center electron bond pair and 3 center electron bond pair. ये हमने ये भी क्वेश्चन जो है हमने लेक्चर में डिफरेंस मैंने स्पेशल वहां पे डिफरेंस बना के दिखाया था. कंप्लीट द रिएक्शन इन जून डिसंबर 16, विच ऑफ दीज फॉलोइंग कंपाउंड आर एसिडिक इन नेचर ऑफ इन दीज एलिमेंट्स का ये क्वेश्चन आया था डिसंबर 16 में. कंप्लीट द रिएक्शन, गिव वन मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ डायबोरेन, डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर ऑल्सो. ये क्वेश्चन जो है 4 marks के लिए आया था यहाँ पे, और ये आया था जून 17 में. विच इज अदर नेम ऑफ बोराजीन इन ग्रुप नंबर 13. वाई इज एटोमिक साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर दैन एक्सपेक्टेड. विच वन ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप इज behaves as non-metal. Borone trichloride is monomeric at room temperature. Monomeric gas at room temperature. Why? Discuss the brief structure of diborane. Give chemical formula of carbides of borone and aluminium. How do borone and aluminium react with sodium hydroxide? Write chemical equations for these. Next is unit number 7. Group number. Elements of group 14. स्टूडेंट्स नेक्स्ट इस यूनिट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम आपके साथ एक कुछ शेयर करना चाहते हैं कि जैसे आपको पता है कि ये जो वीडियो है ये 2 दिन बाद आ रही है, 2 दिन का बीच में गैप था. तो ये इसकी वजह यही थी कि इस वीडियो को इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे एक एक चैप्टर में से क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको स्टडी करना, फिर उसके पॉइंट्स को लिखना, फिर उसका एक फॉर्मेट बनाना, इसके लिए बहुत टाइम लग जाता है. तो इसीलिए ये 2 दिन बहुत टाइम लगता है ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए. अगर आपको ऐसी वीडियोज़ ये आपको वीडियो हेल्पफुल रहती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और ये सजेशन भी ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन दीजिए. और इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट वीडियोस का डिसीज़न लेंगे कि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेसिस पे वीडियो चाहिए या फिर हम आगे लेक्चर के लिए फॉरवर्ड करें. तो ये बात आप थोड़ा सा नोटिस कर लीजिए कि अगर ध्यान में रखिएगा कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अगर आपको ये हेल्पफुल है. तो सजेशन हमें ज़रूर दीजिए, उन सजेशंस के बेसिस पे ही, आपके दिए गए सजेशन के बेसिस पे ही हम आगे डिसीजन लेंगे कि आगे हम लेक्चर के लिए फॉरवर्ड करें या फिर हम इसके उससे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करें. तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट, नेम द इफेक्ट ड्यू टू विच कार्बन इज टेट्रावेलेंट बट लेड इज डाइवेलेंट. Give formula for dry ice.
Which properties are responsible for anomalous behavior of carbon? Name substance containing silicon which is used as a dehydrating agent, yeah, cationic exchanger, lubricant, thermal insulator. Why cannot CCl4 carbon tetrachloride be hydrolyzed whereas silicon trichloride can be hydrolyzed easily? Silicon dioxide is a solid but carbon dioxide is gas at room temperature. Explain it. Complete the reaction. Give allotropic form of carbon. Also mention which one is used as a lubricant with reasons. Complete the reactions. देखिए complete the reactions कितनी बार आती हैं. तो यहाँ पे है next is which compound of silicon used as dehydrating agent? Silicon tetrachloride is readily hydrolyzed but CCl4 is inert to hydrolyze. Explain. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये डिसंबर 19 में आया था. कंप्लीट द रिएक्शन भी 19 में डिसंबर 19 में आया था. वाई कंपाउंड ऑफ सिलिकन यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ये जून 17 में आया था. वाई कार्बन इज प्रेफर्ड रिड्यूसिंग एजेंट इन कमर्शियल मेटलर्जी. एक्सप्लेन. इज एसिटाइलिन एन आयनिक और कोवलेंट हाइड्राइड. वट इज वाटर गैस. What is structure of silicon tetraoxide unit found in silicates? Write short note on zone refining or roasting. What are silicons? Which one of silicon compound is used as thermal insulator? Why carbon dioxide is a gas? Silicon dioxide is a solid at room temperature. ये question भी बहुत बार repeat हुआ है. Shape देनी है हमें particular complex की silicon hexafluoride के लिए. Why are tin and lead incapable of showing property of catenation? Give normal name of eca silicon. ये question भी देखिए कितनी बार repeat हुआ है. Trimethyl amine behaves as a good Lewis base whereas trisilyl amine is behaves as a weak base. Explain it. Next is unit number 8. ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स हैं. व्हाट इज मेंट बाय आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. व्हाई अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस. ये देखिए हमने फर्स्ट यूनिट में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया था क्योंकि वहां पे बेसिस के लिए क्वेश्चंस थे. तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली इस चैप्टर के लिए क्वेश्चन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट केमिकल इक्वेशन विच डिपिक्टिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ NCl3 PCl3 एंड गिव डिफरेंस इन मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस. Draw structure of hydrazine. Will you expect ammonia to act as a Lewis acid or Lewis base? Justify. What are trihalides of nitrogen not? Why trihalides of nitrogen are not oxidized into pentahalides? What are main steps involving in manufacture of nitric acid? Give reaction of concentration nitric acid with copper or phosphorus. Among us, these hydrides, which one is thermally least stable? Which one has highest melting point? Which one is most basic? Which one is having smallest bond angle? Out of these oxides, which one is gaseous in nature? Out of these nitrous oxide and in anionic form, which one is paramagnetic in the nature? Explain briefly why trihalides of nitrogen can be oxidized into pentahalides. Complete the reactions. Various यहाँ पे तीन reactions दिखाई गई हैं. Name the oxides of nitrogen which is isoelectron with carbon dioxide. Electron affinity of nitrogen is lower than that of its neighboring elements. Explain. Draw structure of N2O5. Complete the reaction in liquid ammonia. State whether ammonium nitrate behaves as an acid or base. What is electronic configuration of phosphorus? From what explain we can infer whether it is a metal or a non-metal. Explain with the help of molecular orbital theory. ये जो question है ये question last जो chapter है वहां पर हम बताएंगे. इस question को यहाँ पे भी discuss कर सकते हैं और next में भी. Why bond angle of NO positive is shorter than nitrous oxide? How is the pi bonding between nitrogen and oxygen is different from pi bonding in phosphorus and oxygen? In group number 15, why is only nitrogen is not able to extend its coordination number beyond 4? Why is phosphine not associated in the liquid state unlike ammonia? Which allotropic form of phosphorus is most reactive? Give chemical reaction that occur in the extraction of phosphorus from phosphate rock. Write chemical reaction which occur in manufacture of nitric acid by Ostwald process. तो यहाँ पे आपको यही process के through इसकी preparation के steps और diagram देनी होगी. Which one of these elements of group number 15 is larger, having large number of oxides? What is hydrazine? How it is prepared? Write a short note on phosphate fertilizers.
आउट ऑफ दीज ऑक्साइड्स एसिड्स विच हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड्स एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन व्हाई इज विच इज ओनली द एलिमेंट दैट इज गैस एट रूम टेम्परेचर एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग डायमैग्नेटिक इन आउट ऑफ दीज ऑक्साइड्स विच वन इज डायमैग्नेटिक. सो नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 9 ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक सल्फरस एसिड why is hydrogen sulfide is stronger acid as compared to water why does oxygen exist as a diatomic molecule sulfur as a polyatomic molecule at room temperature what catalyst used in contact process for manufacture of sulfuric acid why is sulfur trioxide not directly dissolved in water during preparation of sulfuric acid राइट द फॉर्मूला ऑफ द टू परऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. ये जो क्वेश्चन है ये चार क्वेश्चन हैं जो एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए लिखे गए हैं. ये तो इसलिए हर एक क्वेश्चन का एक नंबर का क्वेश्चन है तो ये टोटली फोर नंबर के लिए बन जाएगा. वाई इज सल्फर ट्राइऑक्साइड नॉट डिजॉल्व इन वाटर डायरेक्टली ड्यूरिंग प्रेपरेशन ऑफ सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड. तो देखिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में भी आया है दिसंबर 15 में और ये अलग भी आ सकता है. यहाँ पे देखिए अलग भी आया है एक क्वेश्चन बन के. नेक्स्ट इज नेम द पर ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम. ये दो बार पेपर में आया है. आउट ऑफ दीज कंपाउंड्स विच वन इज थर्मली लीस्ट स्टेबल लीस्ट एसिडिक हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट विच हैज हाइएस्ट रिड्यूसिंग पावर. तो यहाँ पे देखिए दो बार ये रिपीट हुआ है. डिस्क्राइब ब्रीफली द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. व्हाट इज वाटर वाई इज वाटर अ लिक्विड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर. ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ H2SO5. ये जून 17 में आया था. राइट फॉर्मूला फॉर पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड. ये दिसंबर 19 में आया था फॉर वन मार्क. Describe the contact process for manufacture of sulfuric acid. देखिए बार बार ये repeat हुआ है question. Name the process by which sulfide ore of copper is concentrated. Why does solubility of sulfates in water decreases down the group for alkaline earth metals? Draw structure of these oxides. How can we distinguish between them? How is pi bonding in these elements different from the pi bonding in phosphorus and oxygen? ये question भी हमने पहले भी repeat किया है. Which properties of sulfur dioxide is responsible for its bleaching agent? Give one example of hypohalic acid. Which element in group number 16 has highest electron affinity? What is sulfurous acid? And give a chemical reaction which behaves as an oxidizing agent. Why is contact process preferred over lead chamber process for manufacture of sulfuric acid? Which one of these elements having highest first ionization energy? SF6 is known but OF6 is not known. Explain. Ye December 19 mein aaya tha for 2 marks. Next is unit number 10. Explain elements of group number 17. Which of the hypohalic acid is strongest acid? Why do halides of boron not form dimers? Which of hydrohalic acid is strongest acid? Differentiate between electron affinity and electronegativity. Why electron affinity of chlorine higher than that of fluorine? Write chemical equation depicting hydrolysis of these halides. Explain difference in mechanism of hydrolysis. Name the most electronegative element in periodic table. Why are interhalogen compounds more reactive than halogens? Lead bromide, lead tetrabromide and lead tetraiodide not exist in the nature. Explain. Complete the reaction in the following. And which one of the following has a higher electron affinity in these halides? Complete the reaction again. Explain the basic properties of halogens. Which of the following has highest electron affinity in these halides? Which of the halogen is strongest oxidizing agent? Next is write short note on interhalogen compound. Ye question bahut important hai. Give chemical equation for preparation of hydrogen bromide and hydrogen iodide in laboratory. What is the other name of hydrozoic acid? Why can fluorine cannot be prepared by electrolysis of aqueous solution of fluoride? Give an example of hypohalous acid. Why does extent of pi bonding in boron halide decreases from boron trifluoride to boron triiodide?
Which of these halides of nitrogen is most stable and why? Why is electron affinity of fluorine higher than that of fluorine? Which of the halogen element is having highest first ionization energy? Why is fluorine able to combine with other elements in their highest oxidation state? What are pseudo halogens? It is another important question. Which of the halogen elements in solid at room temperature? Next is the aqueous solution of salts of hypohalous acids are alkaline in nature. Explain least factor responsible for making fluorine the most powerful oxidizing agent. Which of these halides is strongest acid? From PBA, lead tetra bromide and lead tetra iodide. Why do these are not exist? Why are different oxoacids formed by chlorine? What is oxidation state of chlorine in each of them? Reduce oxidation state of halogen in these oxides. Next is unit number 11, element of group number 18. यहाँ पे noble gases हैं. Discuss inert pair effect is very important question. Explain the structure of these elements compounds. Write a balanced chemical equation for the reaction with water of these compounds. Differentiate between electron affinity and electronegativity. Why electron affinity of noble gases are zero? What write formula for binary compounds formed by these noble elements. What is the hybridization of xenon in any one of them? Give reasons for late discovery of noble gases. The shape of xenon oxy tetrafluoride molecule is whether it in these of the options. It is MCQ question December 16 in for 1 marks. Xenon formed compound or like in complex. Will nitrogen form compound in like this? First ionization energy of xenon and nitrogen is given by this value. Give structure of xenon trifluoride molecule using Weber theory. Give reaction of xenon tetrafluoride with water with the help of balanced chemical equation. Explain with the help of chemical equations why xenon hexafluoride cannot be handled in glass or quartz apparatus. Using valence bond theory, draw these structures. ये question जो है ना next unit में भी आएगा. Which one of the noble gases was discovered first? Which noble gas is most abundant in nature? Why do noble gases form compound only with oxygen and fluorine? Why did Neil Bartlett think that xenon be oxidized with platinum hexafluoride? What is the shape of xenon trioxide molecule? ये हमें decide करना है for 1 marks in December 19 में ये question आया था. Predict the shape of xenon tetrafluoride by Weber theory. ये भी December 19 में आया था. Is xenon difluoride an ionic or covalent compound? Write electron light chemical equation for reaction in xenon difluoride with water. Next unit is unit number 12, transition elements. Out of these oxides, which one is an amphoteric oxide? Which one is not a transition element in these elements? Write electronic configuration of element having atomic number 25 and name the block with which it is belong. Find number of unpaired electron in cobalt 2 positive with having atomic number 27. Name the most suitable reducing agent for the reduction of each of the following compounds. Next is, which one of calcium oxide and zinc oxide is amphoteric in nature? Why zinc and cadmium are soft metal? तो देखिए ये June 16 and December 19 में आया था question. तो ये important question है. What are transition elements? Why are they so called? ये भी important question है. Which is most stable in these ions? Why does a transition series contain 10 elements? Explain why copper hydrated copper sulfate and hydrated zinc sulfate having different color. Why transition metals and their compounds are good catalyst. Which one is most stable ion? Explain why titanium oxide is white but titanium trichloride is colored. Write electronic configuration of chromium. Why is ferrous ion is less stable than ferric ion? Why are compound of copper and zinc ion are white?
Atomic number of manganese is 25. Calculate number of unpaired electrons in this complex. What is the oxidation state of chromium and potassium perchromate, potassium monochromate, and which is colored and why in ferrous sulfate and zinc sulfate? Which transition metal ion compound have their observed magnetic moment values that agree with very well with spin only values and why? Name first element of 3D series. How does stability of higher oxidation state vary down the group in transition elements? Explain with examples. What is the highest oxidation state of manganese? The observed magnetic moment of this complex is higher than spin only value. Explain in an element in copper having atomic number 29. Calculate number of unpaired electrons in ground state. In chromium, how many electrons have value of azimuthal quantum number L equal to 0? Predict magnetic moment of ferric ion, ferrous ion. So December 19 May is तीनों क्वेश्चंस आए थे. यूनिट नंबर 13, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय लैंथेनॉइड्स? व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाई व्हाट फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिमिलैरिटी साइज इन साइज एंड प्रोपोर्शन ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम? व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड आयन? एक्टिनॉइड आयन हैव ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. व्हाई? Which one of cerium 3 and cerium 4 act as oxidizing agent? What is lanthanoid contraction? ये दोबारा आ गया और उसके साथ एक क्वेश्चन और यहाँ पे ऐड हो गया. Give its consequences. Do magnetic moments of lanthanoid ion agree to their spin only values? Explain. Why is outer electronic configuration of beryllium is this and this? तो ये क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में भी हमने बताया था और यहाँ पे भी ये आया है. What are methods of employed for separation of lanthanoids? Name any one or of lanthanoids. What are rare earth elements and why they are so named? What are lanthanoids? What is their most common oxidation state and how it is formed? What is most stable oxidation state of lanthanoid elements? What are inner transition elements? How they are different from transition elements? Why is separation of transition lanthanoids difficult? Name any two methods for their separation. In lanthanum oxide is ionic or covalent? Complete this reaction where gadolinium is reacting with water. What are ways in which the actinoid elements resemble their lanthanoid congeners? For 2 marks in December 16. Next is unit number 14, coordination complexes. Which one of these complexes exhibit ionization isomeric? If pairing energy P for ferric ion is given and delta naught crystal field enthalpy is given, crystal field value given, find out whether the complex is high spin or low spin. Write formula for following complexes. Write formula of this complex by using VBT. Explain hybridization of iodine in of this compound. Write the name of these following complexes. Coordination compounds. What type of isomerism is noted in this complex? Draw its isomerism. Write the formula for hexaamino cobalt 3 chloride. Explain the structure and magnetic behavior of nickel tetrachloride ion for on the basis of valence bond theory. Write structure and of geometrical isomers of this. Give geometrical isomerism of dichloroplatinum 2. Find complex ion in this is paramagnetic, where complex in cyanide, tetracyanide is diamagnetic. Explain on the basis of crystal field theory. I pick naming of this and यहाँ पे देखिए crystal field theory के according यहाँ पे हमें बताना है किसकी value ज़्यादा है, delta value किसकी ज़्यादा है. Explain the structure of magnetic behavior of this complex on the basis of valence bond theory. Give structure of this isomer. Is sulfur a monodentate or bidentate ligand? Which of the following is strong field ligand? Explain with the help of molecular orbital theory why bond length of NO positive is shorter than NO. What is expected structure of chlorotrifluoride by valence bond theory? Give formula for any two. How can you infer whether four coordinate complex will be tetrahedral or square planar? ये December 17 में आया था. For
4 मार्क्स. हमें आइसोमेरिज्म बनाना है इसका यूजिंग वीबीटी डिड्यूस स्ट्रक्चर ऑफ जीनॉन डाई फ्लोराइड. व्हाट आर लिगेंड्स गिव एन एग्जांपल. गिव पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 सिस्टम इन अ टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. अकॉर्डिंग टू द वर्नर थ्योरी फॉर अ मेटल कॉम्प्लेक्स हाउ आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच. राइट फॉर्मूला फॉर दीज. ये जो आया था जून 18 में फॉर 2 मार्क्स आया था. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. व्हाट इज हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म. गिव एग्जांपल. प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड गिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स ऑफ आयरन. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन आइसोमेरिज्म. एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. द कॉम्प्लेक्स आयन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. प्रिडिक्ट इट्स नेचर ऑन द बेसिस ऑफ विलियम्स बॉन्ड थ्योरी. राइट केमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम हेक्सासाइनोफेरेट 2. ये डिसंबर 19 में आया था फॉर 1 मार्क. यूज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल साइनाइड इज डायमैग्नेटिक. ये डिसंबर 19 में आया था 5 नंबर के लिए. लास्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 15 आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. गिव टू क्राइटेरिया ऑफ गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग. वन आर्कल डी बोर प्रोसेस. Mohn process smelting. What are two main components of brass. Write chemical equation for reduction of titanium tetrachloride to titanium by Crolles process. Write chemical equation for reduction of chromium oxide by aluminothermic process. Name the process for using for refining of nickel. Why is carbon a preferred reducing agent and commercial metallurgy. Explain. Write short note on pyrometallurgy. Name the process by which sulfide ore of copper is concentrated. Write short note on zone refining and roasting. What is common between mica and asbestos. What are Allingham diagrams. What are they? Why are they useful. Write a short note on interstitial compounds or electrometallurgy. What are the criteria of selection of a good reducing agent for extraction of metal. Give an example of good reducing agent. Explain cold combustion. Describe the reaction involved in the extraction of chromium from the chromite ore. Fourth flotation process is used to concentrate with which type of ore. Sulfide ore, halite ores or nitrate ores. December 19 mein aaya tha for 1 mark question. Discuss in brief the steps involved in extraction of copper from copper pyrites. ये December 19 में आया था for 5 marks. तो इसी के साथ हमने पूरी जो book है Chemistry 02 उसके basis पे हमने जितने भी important questions बन सकते थे हमने सभी यहाँ पे discuss किए हैं. तो इसी के basis पे आपको जो paper में questions आ सकते हैं. ये नहीं है कि सिर्फ यही questions पढ़ के आप पे अच्छे marks ला सकते हैं. ये सिर्फ आपको एक idea दिया गया है, guidance दी गई है जिसके basis पे आपको पता लग सकता है कि कैसे questions आ सकते हैं. लेकिन पढ़ना सभी कुछ पड़ेगा और इसके लिए हम आपके साथ हैं क्योंकि हम time to time आपको provide कर रहे हैं lecture. और उन lectures के topic के basis पे हम उस एक particular topic के basis पे जितने important questions हैं और यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उन सभी के आंसर्स भी हम ऑनलाइन लेक्चर में देते हैं. और इसलिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि इन क्वेश्चंस के आंसर हम कैसे कर सकते हैं. और इसीलिए हमने ऑनलाइन लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड किए हैं ताकि आप इजीली उन इन क्वेश्चंस के आंसर्स को भी वहाँ पे पढ़ सकते हैं जिससे आपको और हेल्प मिल सकती है. और ये आपको वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें. और सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि ये आपको इस तरह की वीडियो अभी चाहिए या फिर हम लेक्चर के लिए फॉरवर्ड करें. जैसा भी आपका डिसीजन होगा, जैसे भी मेजॉरिटी होगी सजेशन की, उसके बेसिस पे ही हम आगे फॉरवर्ड करेंगे. कीप वॉचिंग दिस चैनल. थैंक यू.